बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हलवाई जैसे घेवर नहीं बन पाते, तो आज सीखेंगे गारंटी के साथ में परफेक्ट घेवर बनाना और वो भी मलाई वाले। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद का सफर स्वाद के मित्रों के साथ में। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनर्स किचन में। तो घेवर बनाने की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर घी से। तो ये जो मैंने घी लिया है ये लिया है 1/4 कप या लगभग 60 ग्राम आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गर्म घी है, ठंडा घी नहीं है। अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है, उसके बाद में एक परात जैसे बर्तन में इसमें फैला दीजिए। इसको गरम क्यों किया है, अगर गरम नहीं करेंगे तो इसमें दाना बन जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से गरम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये घी गरम है तो अब इसमें डाल रहे हैं हम आइस। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 आइस डालेंगे, जिसकी वजह से घी थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। हल्का सा हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। अब इसकी बनानी मल्ली, मतलब इसको एक क्रीमी टेक्सचर इसका देना है। आप लोग कहेंगे कि इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा, उसमें बन जाएगा लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें भी कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर भी। कभी भी आप देख लीजिए, अब हलवाइयों की दुकान पे जो बनाया जाता है घेवर, वो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, फिर भी वो मिक्सी में नहीं बनाते। उनसे पूछिए क्यों नहीं बनाते वो लोग, क्योंकि परफेक्ट नहीं बनता है। तो परफेक्ट बनाने के लिए हाथ से थोड़ी सी मेहनत हमको करनी ही होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसमें दाना नहीं आना चाहिए। अगर इसमें दाना हो गया ना तो सही ढंग से घेवर बनेगा ही नहीं। इसलिए लगातार पाम को फैलाते हुए इसका क्रीमी टेक्सचर बनाना है, और इसको हलवाइयों की भाषा में मल्ली कहा जाता है। यहाँ पे आइस गायब हो गई है तो ठंडा नहीं हो रहा है, तो ठंडा करने के लिए 2-3 आइस के क्यूब मैंने और डाल दिए इसके अंदर, इसे ठंडा हो जाएगा और मल्ली जल्दी बनेगी। तो यहाँ पे क्या, इसको लगातार इस तरह से फेंटना है और देखना है कि एक तरफ इकट्ठा हो रहा है क्या, मतलब ये सिमट जाएगा एक तरफ से। अगर आपको लग रहा है कि गर्म हो रहा है तो बीच बीच में 1-2 आइस क्यूब डाल दीजिए आप, और ये देखिए कितना सारा मक्खन बन गया है। घी का हमने वापस से मक्खन तैयार कर दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है, जब एक तरफ पूरा सिमट जाएगा, ये देखिए पूरा सिमट गया एक तरफ, और इसमें कहीं पर भी दाने नहीं हैं, मतलब परफेक्ट हमने इसको बनाया है। तो अब मिलाएंगे हम इसमें मैदा, ये लगभग 250 ग्राम मैदा हो गया। तो पहले आधा मैदा डाल देते हैं यहाँ पर, और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे बेसन मिला रहे हैं। बेसन का क्या काम होगा यहाँ पे, इसको कुरकुरा करेगा और साथ ही एक अच्छा टेस्ट भी लेके आएगा और इसकी बाइंडिंग करेगा। तो पहले मक्खन के साथ में इन दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं, पानी बाद में मिलाएंगे। और ये भी बड़ी सावधानी से मिलाना होता है कि इसके अंदर किसी तरह का लम्स ना पड़ जाए। यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाया है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स, मतलब कि गांठें नहीं बनी हैं। तो अब मिलाएंगे इसमें पानी। तो ये रूम टेम्परेचर पर पानी है, मैंने 1 लीटर भर लिया है, लेकिन देखते हैं कितना लगता है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें गांठें बन जाएंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब जो बाकी बचा मैदा था वो भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। पहले इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे सारा मैदा हमने मिला लिया है, किसी तरह का लम्स इसमें नहीं पड़ा है अभी तक। अब पानी मिला सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके। बस एक बात का ध्यान रखना है, पानी भी एक बार में नहीं मिलाना है, सारे काम धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। घेवर बनाने की मूल भावना एक ही है कि दाना नहीं पड़ना चाहिए, ना तो मक्खन बनाते टाइम ना ही मैदा मिलाते टाइम। अगर दाने से बचाव हो गया ना तो घेवर बढ़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी मिलाए जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कितना पतला हो चुका है यहाँ पर, और लगभग 1 लीटर बोतल मैंने ली थी उसमें लगभग 1 कप के आसपास बच भी गया है। बनाने से पहले इसको एक बार स्टेन करना होगा। मीडियम टाइप की जो छलनी होती है उसमें छान लीजिए, जो मोटा दाना रह गया होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। ये देखिए भाई, पूरी कोशिश हमने करी कि इसमें कोई किसी तरह का दाना ना पड़े, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर बच जाता है तो ये देखिए छलनी में रह जाएगा। एक ज़रूरी सूचना, इसको ऐसे ही नहीं रखना है, मतलब आप इसको ऐसे ही रख के छोड़ना नहीं है, इसको तुरंत घेवर बनाना है, या फिर इसको फ्रिज में भी नहीं रखना। फ्रिज में अंदर रखोगे तो इसके अंदर का जो मक्खन है वो जमने लग जाएगा, बाहर रखोगे तो पिघलने लग जाएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आपने इसका बैटर बनाया तुरंत इसके घेवर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉसपैन का इस्तेमाल किया है। इसकी लंबाई देखिए, अच्छी लंबाई होनी चाहिए इसकी, मतलब कि जितनी अच्छी लंबाई होगी उतना अच्छा घेवर बनेगा। और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना चौड़ा होगा तो वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, लेकिन घी की मात्रा देखिए कहाँ तक रखी है मैंने, मतलब आधे से भी ज़्यादा। जब हम इसके अंदर घेवर का बैटर डालेंगे तो ऊपर की तरफ आता है वो घी, तभी वो सेडिंग से बनता है। अगर घी आपका कम रह गया ना तो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो जालियाँ सेडिंग से नहीं बनेगी। तो इसकी जो घी की मात्रा है वो आधे से थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए।
घी का अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। और थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पे और भी निकाल के रखा हुआ है, जैसे ही घेवर बनेगा तो इसके ऊपर हम घी डालेंगे तो अच्छी तरह से वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छा धुआं भी दिखने लग गया है, तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ जिससे जले नहीं। अब क्या करेंगे, अब एक चम्मच से हम बैटर डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। घी का टेम्परेचर देखिए कितना ज़्यादा है, और हाइट देखिए कितनी हाइट से मैं डाल रहा हूँ। सॉस पैन कहाँ पे है और चम्मच कहाँ पे है, और जो आवाज़ आ रही है ना जोर जोर से, ये आवाज़ आनी चाहिए इसमें। घी उछल के साइड में आना चाहिए, जहाँ पे बीच में जगह बन रही है ना वहीं पे हमको डालना है, इधर उधर नहीं डालना है, बीचों बीच में डालना है, जहाँ पे बबल्स उठ रहा है घी का, ये देखिए यहीं पे डालना है हमको। यहाँ पे देखिए किनारी बनना स्टार्ट हो गई है, तो अब नहीं डालेंगे हम यहाँ पे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में जगह नहीं हो रही है तो किसी टूथपिक से या ऐसे जगह कर सकते हो आप हल्की सी, ऐसे जगह बन गई है यहाँ पे, जगह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किनारियाँ बनना स्टार्ट हो गई है, अब हम ऊपर से भी घी डालेंगे। ये गया ऊपर से घी, गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, घी थोड़ा गर्म ही होना चाहिए जो ऊपर से भी डाल रहे हैं। अगर हम मोल्ड में बना रहे होते और हलवाइयों के स्टाइल में तय में बना रहे होते तो हमको इस तरह से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब घर पे हम बनाते हैं तो किनारियों को हल्का सा ऐसे कुरचना पड़ता है क्योंकि चिपक जाता है ये, अगर ये मोल्ड में बनता ना तो ये मेहनत हमको नहीं करनी पड़ती, तो हल्का सा इसको इस तरह से कुरचना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आसानी से निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि एक तरफ से लाल हो गया है, तो दूसरी तरफ से और कर देते हैं इसको। लेकिन ये कुरचने वाला काम हलवाई लोग नहीं करते हैं, उनके अपने आप निकलते हैं क्योंकि मोल्ड होता है ना, वो मोल्ड अपने आप अपनी किनारी छोड़ देता है। तो आपने देखा होगा घेवर में इतनी लंबी लंबी सी दीवार जी बनी रहती है ना, वो उस वजह से ही होती है। एक गोल्डन कलर इसमें बढ़िया सा आ जाना चाहिए, अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि कलर इसमें बहुत अच्छा आ चुका है। ये देखिए आगे से कलर देखिए, और पीछे से भी देख लेते हैं इसको। ये देखिए पीछे से भी बहुत ही बेहतरीन बना है ये, घेवर को दोनों तरफ से देखना चाहिए। अब इसको एक जाली के ऊपर रख दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी होगा ना वो सारा नीचे आ जाएगा। घेवर यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए सारे के सारे घेवर तैयार हो गए हैं, लगभग 1, 2, 3, 4 के आसपास ये तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसकी चाशनी तैयार करनी है, और इसके साथ में जो ऊपर मलाई लगती है वो भी तैयार कर लेते हैं। घेवर के लिए तैयार कर लेते हैं यहाँ पे चाशनी। तो मैंने ली है लगभग 2 कप चीनी, मतलब कि आधा किलो चीनी, और उसमें डालेंगे हम लगभग 1.5 कप पानी। यहाँ पे जो चाशनी बनने जा रही है ये एक तार की चाशनी यहाँ पे तैयार होगी। हलवाई लोग जो तैयार करते हैं वो थोड़ी मोटी चाशनी तैयार करते हैं जिससे कि घेवर का वज़न बढ़ जाए, लेकिन हमको वज़न नहीं बढ़ाना है, हमको परफेक्ट चाशनी यहाँ पर डालनी होगी। उबाल आने के बाद लगभग 5 से 6 मिनट आपको उबालना है, और आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी चाशनी परफेक्टली बनी है या नहीं बनी है, मतलब इस तरह से तार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे उबाल आया 5 मिनट उबाल लीजिए इसको अच्छी तरह से, और बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तार की चाशनी लगभग बनके हमारी तैयार है। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इस तरह से लीजिए और महसूस कीजिए तेल जैसा महसूस होगा आपको कि हाँ जैसा तेल है, तो बस आपकी चाशनी रेडी है। और ये हल्की सी जब ठंडी होगी ना तो ये हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी। ये रहा 1.5 कप मावा, प्लेन मावा है और फ्रेश होना चाहिए, घर पर बनाओ तो और भी बढ़िया है। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा दूध, लगभग 2-3 चम्मच ठंडा दूध। और ये रही चाशनी, जितना आपको मीठा करना है तो लगभग 2-3 चम्मच आप डाल दीजिए, इतना मीठा बहुत है। और चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और स्मूथ बैटर बना लेंगे इसका। तो एक गाढ़ी सी रबड़ी यहाँ पे रेडी हो गई है। मीठा तो वैसे आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन मेरी मानिए तो इसमें मीठा कम ही डालना, क्योंकि जो नीचे से घेवर आएगा ना वो वैसे ही बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे चाशनी गुनगुनी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो ये सोगी हो जाएंगे सारे के सारे। एक तरीका तो है कि एक एक पीस को उठाकर चाशनी में डालते चले जाओ, या फिर ये तरीका भी एक ऐसा है, ऐसा करने से थोड़ा सा कम चाशनी जाती है लेकिन हाँ मीठे पूरे हो जाएंगे। धीरे धीरे करके डालना, आराम से बीच में साइड में चारों तरफ से। मार्केट में जो घेवर मिलते हैं उसके अंदर चाशनी बहुत गाढ़ी होती है, उसकी वजह से घेवर थोड़े से भारी हो जाते हैं, वेट हो जाता है। तो हमको तो बेचना नहीं है, हमको तो घर के लिए खाना है ना, तो हम कम से कम चाशनी का इस्तेमाल करेंगे, या जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे। चाशनी डालने के बाद लगभग 5 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए, जिससे जितना भी एक्स्ट्रा इसका शुगर सिरप होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो गया है, सारी जो एक्स्ट्रा चाशनी थी सारी निकल गई है। अब बारी आती है इसके ऊपर मलाई लगाने की, मतलब कि गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जो हमने पहले से रेडी रखी है। अब जितनी आपको चाहिए उतनी लगा लीजिए, वैसे ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती है। आप चाहें तो इसको सजा भी सकते हैं पाइपिंग बैग में डाल के। ऐसा नहीं है कि इसमें मलाई लगेगी तभी घेवर बनेगा, ये मलाई वाले घेवर बन रहे हैं। आप चाहें तो प्लेन भी खा सकते हैं इसको, प्लेन भी बहुत अच्छे लगते हैं।
थोड़ी सी गार्निश, पिस्ता, थोड़े से बादाम के कतरन, तो ये लीजिए, रेडी हो गया। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।